एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। इस समय है हम अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। अगर पिछले दो चुनावों की बात करें तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे हैं। इसके पहले 2003 और 2008 में यहां से भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे। यहां हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सियासत क्या कह रही है, आखिर क्यों यहाँ पर भाजपा अपनी जीत नहीं ला पा रही है। आइए बात करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ भाजपा नहीं जीत पा रही है पिछले दो चुनावों से। कुल मिला के जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, तो योजनाएं तो बहुत हैं और इनका लाभ भी पब्लिक को मिला है, लेकिन इस बात को हम लोग जन जन तक पहुंचा नहीं पाए हैं। जो फायदा मिला है, जो योजना है, उनके विषय में आम मतदाता को जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। विकास कार्य या कोई और वजह, क्या ऐसी वजह है कि यहाँ से भाजपा पिछड़ती जा रही है? क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो पिछले कई वर्षों से लगे हुए थे, पंच वर्षीय से। जनता ने कहा कि एक बार इनको ही मौका दो, बस ये था। बाकी वो कहीं कोई इनको ऐसा कुछ नहीं था। इस बार फिर यहाँ कमल खिलेगा, भाजपा सरकार बनेगी। इतनी योजनाएं चल रही हैं, गिनाना बैठेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ मुख्यतः पानी, घर घर में पानी, बगल में गांव बथनिया है, इतनी समस्या थी वहाँ पानी की। वो पानी की योजना आज पूरे क्षेत्र में, यह कि पूरे प्रदेश में कहा जाए, वो योजना लागू हुई, घर घर में पानी पहुँच रहा है। आवास का मकान, हर घर व्यक्ति को मिल रहा आवास का मकान। अभी लाडली बहना वाला जहाँ 10 तारीख को खाता खुला हमारा, उसके बाद देखिए यहाँ का चमत्कार अलग रहेगा जी। कुछ योजनाएँ ऐसी हैं सरकार की को बिल्कुल जन जन तक पहुंच रही है। विकास हुआ है, योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगले चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको देखकर यहां के लोग जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको क्या लगता है अगले चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे इस विधानसभा के लिए प्रमुख होने वाले हैं? देखिए, जिस तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज इस प्रदेश में और हमारे पुष्पराजगढ़ में, कहा जाए तो पैदा होने से लेकर मरने तक की योजनाएँ हैं, जहाँ तक उस योजना को पब्लिक तक नहीं बताया जाता। कि जैसे आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव में, हमारे पंचायत में ही आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और लाडली बहना योजना, जो आज 1000 रुपये, स्टेट गवर्नमेंट से 5000 और किसान निधि भी मिलता है, और नॉर्मल मृत्यु में 2 लाख, एक्सीडेंट में 4 लाख, मैंने खुद ही कुछ हितग्राहियों को दिलाया है। योजना बहुत है, पर गांव-गांव तक, पब्लिक तक यही है कि हमारी योजना उनके वहां तक पहुंच नहीं पाती। यहां आज सरकार है हमारी, सरकार द्वारा भूमि कई निर्माण कार्य रहते हैं और उसको बताया जाता है हमारे यहां के लोकल नेता कि ये हमने कराया। लोगों को नहीं पता रहता कि यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया गया, आज उनकी सरकार, जिससे आप लोगों को इतने फ़ायदे मिलते हैं। और रही बात इस बार, वैसे कमल खिलेगा पुष्पराजगढ़ में, लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि वो जो है सरकार की नीतियों और सरकार की सफलताओं को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हार के पीछे कारण क्या रहता है। क्या आपको लगता है प्रत्याशी का चयन या ऐसे कौन से कारण हैं जो यहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है? बस ये था कि पूर्व जो विधायक जो भी हैं वर्तमान में, वो निरंतर लगे थे प्रयास में, तो जनता एक बार उनको मौका दी, ये मुख्यता। इस बार फिर हमारा कमल खिलेगा। पिछले 10 सालों में यहाँ लगभग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से कांग्रेस के विधायक हैं। आइए जान लेते हैं कि इन 10 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य हुए हैं, या लोग उनसे खुश हैं या असंतुष्ट हैं। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो आप यहाँ पर कांग्रेस विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विधायक कांग्रेस कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और यथासंभव जितना हो सका है माननीय विधायक फुंदेलाल सिंह जी ने जनता के हित में जन कल्याण कार्यों को उन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किया है, उन तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसी आपको अभी ऐसे कौन से काम लगते हैं जो शेष रह गए हैं, या ऐसे कौन से मुद्दे लगते हैं जो विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? इसमें मुख्य रूप से अभी पुष्पराजगढ़ में सबसे बड़ा भीषण जल समस्या है। बहुत से ऐसे दूरांचल ग्राम है जहाँ आज भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, बिजली नहीं है, लोगों के पहुँच मार्ग नहीं है, पुलिया नहीं है, रोडें नहीं है, और अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी पुष्पराजगढ़ में काम करने की आवश्यकता है। अभी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें काम करने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि
ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी जिनमें यहाँ पे काम होना बचा हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया है। एक महत्वपूर्ण राजेंद्र ग्राम से लेके दूधी तक कोई सड़क का नाम नहीं था, पूरे गड्ढे थे। हमारी सरकार में पिछले नागेंद्र सिंह जी PWD मंत्री थे, उन्होंने स्वीकृत किया रोड को। इसके अलावा शहडोल से सागर टोला जो नेशनल हाईवे आदरणीय गडकरी जी ने किया, कोई सड़क ऐसी नहीं बची है जो खराब हो। सड़क के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, पेयजल का भी घर घर में पानी पहुंच रहा है। सरकार की अनेक प्रधानमंत्री आवास योजना में आप जिस गांव में जाएंगे पक्के घर दिखते हैं, जनता में खुशी है। केवल अफवाहों के कारण कुछ गलत अफवाहें फैला दी जाती हैं प्रत्याशी के प्रति या पार्टी के प्रति, या कभी बोल देते हैं आरक्षण को लेके किसी बात, इसलिए यहाँ पे ऐसा अफवाहों कारण हुआ था। वरना पूरी योजनाएं जनता को मिल रही हैं, लोग खुश हैं। लाडली लक्ष्मी योजना हो, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना भी प्रारंभ की, उस बहनों को कल से प्रमाण पत्र मिलना शुरू हुआ है। तो बहनों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, सब खुश हैं कि भाई लाडली लक्ष्मी के बाद हमारे लिए भी सरकार ने चिंता की है, विद्यार्थियों के लिए, स्वास्थ्य की चिंता, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व काम किया है। और इस बार जनता समझी है कि अफवाहों से जरूर पिछले दो बार हम पराजित हुए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी होगी निश्चित रूप से। आपने देखा कांग्रेस के साथियों ने भी कहा कि विकास के काफ़ी काम हुए इस विधानसभा क्षेत्र में, भाजपा के भी लोग कह रहे हैं कि विकास के बहुत सारे काम हैं हुए हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जो प्रत्याशी चयन का आधार बनती, जिनके आधार पर लोग यहाँ पर अपने विधायक का चयन करते हैं? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस आधार पे यहाँ पे जो लोग हैं विधायक का चयन करते हैं, पिछले अगर दो पंचवर्षीय की बात की जाए तो? क्या जो विधायक पहले जीते हुए थे उनको टिकट मिली नहीं और दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिली, तो चूंकि जनता उनको दो बार जिताए, अगर जनता को उनके ऊपर भरोसा रहता तो दो बार जिताए उनको, तीसरी बार टिकट नहीं मिली, हो सकता इस वजह से भाजपा के उम्मीदवार हार गए हों। आपको अब क्या लगता है कि अब इस बार जो अगला चुनाव होने वाला है तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, चाहे वो प्रत्याशी हो या यहाँ पे विकास कार्य हो, ऐसी कौन सी बातें महत्वपूर्ण रहेंगी विधायक के लिए चुनाव जीतने के लिए? जहाँ रही बात विकास की, तो विकास तो हुए हैं और कई विकास तो सिर्फ कागजों में हुए हैं और धरातल पर कुछ विकास हुआ नहीं है, कागजों पर विकास ज़्यादा हुआ है। इसलिए आज कई सरपंच सेक्रेटरी जेल जा रहे हैं, रिकवरी निकल रही है, करोड़ों की रिकवरी जिला पंचायत से निकली है और उसकी वसूली भी हो रही है। आप आगे जाके तो रोड की स्थिति देख लीजिए, जैसा बता रहे हैं रोड बनी हुई, रोड में गड्ढे हैं, तो कागजों पे तो विकास हुआ है, धरातल में उतना विकास नहीं हुआ जितना कागजों पे हुआ है। कागजों में विकास हुआ है लेकिन धरातल में नहीं हुआ, योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, आपको क्या लगता है कहाँ तक ये बातें सही है? बिल्कुल सही है, विकास पुष्पराजगढ़ में जिस गति से होना चाहिए वो विकास की गति नहीं, और विकास उस तरीके से हुआ नहीं जो होना चाहिए था। बहुत सारी अभी बताया ना आपसे मैं पहले ही, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी पुष्पराजगढ़ में उसकी आवश्यकता है, लोगों को उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार लगातार असफल है। अभी नारी से लाडली महिला लक्ष्मी योजना के तहत गुमराह किया जा रहा है, 5 एकड़ से अधिक के लोगों को देना नहीं महिलाओं को, जो इनकम टैक्स पे ही धारी है, और लाइन लगा दी है बैंकों में KYC का, तो इस तरह से गुमराह किया जा रहा है जनता को। और आज भी पुष्पराजगढ़ में बहुत अपार संभावनाएँ हैं विकास करने की और उसकी आवश्यकता है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है, गुमराह किया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस बात? ऐसा कुछ नहीं, जनता से पूछा जाए, यहाँ तो सर ठीक है अपने अपने दल की बात सब करेंगे, जनता से पूछी जाए जनता को क्या लाभ मिला नहीं मिला। आज हर चीज़ उनको मिला, रोड सड़क पानी मकान सब कुछ मिल रहा है। वो तो अलग अलग दल के हैं, अपने दल की बात तो करेंगे ये सब, कोई जनता से पूछा जाए जी। आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी इस बार चुनाव में जाएगी? 70 सालों से यहाँ सरकार थी कांग्रेस की, हम अपने गांव गिरारी यहाँ से जाते थे, आधा घंटा लगता था, आज पुष्पराजगढ़ में यहाँ से आप बेनीबारी जाइए आपको रोड सही मिलेगी। आप दमहड़ी रोड की बात कीजिए पुष्पराजगढ़ में, वो बीजेपी कार्यकाल में बना गया। आप अमगामा रोड में जाएंगे तो अमगामा रोड बीजेपी कार्यकाल की बनी। यहाँ से आप जतहरी जाएंगे, बीजेपी रोड का बीजेपी पार्टी के कार्यकाल की रोड बनी हुई। आज अमरकंटक से लेकर जो बुढ़ार शहडोल ये भी बीजेपी की है। आज आप घर घर जाएंगे तो आपको सवेरे 9 बजे नल, जो सवेरे शाम दोनों टाइम नल मिल रहा है, टूटी चालू हो जाता है सवेरे से नल मिल जाता है, आवास शौचालय, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी ने दी है और लोगों ने उनको सफल किया है। पर
लोग अपनी विकास, भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास की योजनाओं को लेकर चुनाव में जाएगी। हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं, इनसे भी आइए जान लेते हैं पिछले 10 सालों में लगभग मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन पुष्पराजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक, वजह चूँकि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय अंतिम होता है और अचानक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का जो निर्णय यहाँ पर लिया गया था, और चूँकि जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होता है लगभग 5 साल से जो है पूरे क्षेत्रों में काम करते हैं, मतदाता के बीच में जाते हैं, पहुँचते हैं, संपर्क रहता है, तो इस दृष्टि से जब चुनाव आता है तो अपने प्रत्याशी को मतदान करती है मतदाता, तो उस समय एग्जैक्ट मतदाता जो है निर्णय न ले पाने के कारण जो है, और हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है विधायक यहाँ पर नहीं बन पाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 के बाद से लेकर 2013 तक जो पुष्पराजगढ़ में विकास कार्य जो किए हैं अभी तक लगभग वही कार्य हैं। अब जो भी जनप्रति निर्वाचित होकर के जाता है उनको तो लगता है कि जनता के बीच में कि हमने ही कराया है, अपना जो भी जनप्रतिनिधि रहता है वो तो जनता के बीच में अपना विषय रखता ही है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही जो है यहाँ पर अभी तक विकास हुए हैं। और अब जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर तय करती है तो सभी लोग संगठित होकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो है विधायक बनाएंगे। ऐसा भाजपा इस बार संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। आप 10 साल विधायक रहे हैं, अगर प्रमुख यहाँ की समस्याएं के बारे में जानना चाहें हम तो वो क्या हैं, इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आज तक अभी तक चूँकि जो समस्याएं थी लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि जैसे अगर हम विद्युतीकरण की बात करें तो मूलतः ये होता है कि पूरे 119 पंचायत हैं, 119 पंचायत में रिकॉर्ड में तो ये होता है कि 119 पंचायत में विद्युतीकरण हो चुके हैं, लेकिन जो मजरे टोले हैं ऐसे जहाँ पर बच गया है तो ये होता है कि हमने एक बड़ा काम तो किया है, लेकिन जो मजरे टोले में अगर मान लो नहीं हुआ तो ये होता है कि यहाँ पर बिजली नहीं लगी है। इसी तरह से मान लो सड़क बने हैं तो जो बड़े गांव हैं, जो राजस्व गांव हैं, उन तक सब सड़क पहुंच गया है, लेकिन जो मजरे टोले हैं वहाँ तक मान लो नाले में अगर मान लो पुलिया नहीं बन पाया है या सड़क नहीं पहुँच पाई है तो ये लगता है कि हमारे जो है पंचायत में नहीं बना है। लगभग बिजली, सड़क और पानी के कारण ही हमारी सरकार जो है 2003 में बनी थी, और इसके पहले जो है पूरे क्षेत्र में, चाहे आप जो बैगा जनजाति के जो गांव हैं पहाड़ों के ऊपर में, उनमें कभी नहीं जा सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन आज जो है हम चाहे मिर्चा दादर हो, चाहे गढ़ी दादर हो, चाहे करौंदा पानी हो, इन सभी जगहों पर हम जो है 2-व्हीलर और 4-व्हीलर से आसानी से चाहे रात में हो दिन में पहुंच सकते, लेकिन पहले ऐसे कभी नहीं जा सकते थे। और स्कूलों के बारे में कहें तो पहले यहाँ पर केवल 4 ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी थे, लेकिन 2003 के बाद आज लगभग 50 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो है हमारी इस पुष्पराजगढ़ में, ये सबसे बड़ी सौगात है। अगर आप विश्वविद्यालय जनजाति की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही सहमति दिया है, तभी जा कर के यहाँ पर जो है आज जनजाति विश्वविद्यालय संचालित है, अन्यथा वो जो है मणिपुर में जा कर के जो है स्थापित होता। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो चाहे खमरोद हो, चाहे पुष्पराजगढ़ के बेनीबारी हो, चाहे दमेड़ी हो, चाहे ठाड़पाथर हो, चाहे अमरकंटक हो, सभी जगह जो है प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र थे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए। यह है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी जरूर है, लेकिन चिकित्सा के भी क्षेत्र में देखेंगे तो लगभग सब जगह ऐसी व्यवस्था जो है हमारी सरकार ने किया है। और पढ़ाई की दृष्टि से बच्चे आज यहाँ से खूब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और भी जो है लगभग सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। अब यह है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे इंसान को आवश्यकताएं पड़ती है तो लोग मांग करते रहते हैं, तो ये कमियां हो सकती हैं, लेकिन मूलतः जो पहले जो समस्याएं थी वो सभी समस्याओं का निदान हो चुका है, और चूँकि समस्याएं अनंत हैं, समस्याएं बहुत थी लेकिन बहुत विकास कार्य हो चुके हैं। पहले का 10 साल भाजपा के विधायक का कार्यकाल और अभी का जो 10 साल है कांग्रेस के विधायक का कार्यकाल, अगर दोनों की तुलना करें तो कैसे करेंगे आप इसको? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सड़क सुरक्षा और ये स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के बात करते हैं, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ है,
119 ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश का दूसरा मुख्य सबसे बड़ी तहसील है, जबकि यहाँ पे अभी भी सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, तीसरा कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे अंदर शायद 1 ही डॉक्टर बचे हैं। अब इतनी स्थिति बदतर है। रही बात सड़क की, सड़क बन रहे हैं बहुत सारी, अभी करपा रोड आज 5 साल से अभी अधूरे ही पड़ा हुआ है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। शासन की योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन समुचित प्रचार प्रसार न होने के कारण क्रियान्वयन सही नहीं हो पा रहा है। एक यहाँ विधानसभा क्षेत्र के निवासी होने के कारण एक सरसरी तौर पर बताएं कि पिछला 10 साल जब भाजपा के विधायक का था और अभी का 10 साल जो कांग्रेस का विधायक, दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर विधायक की बात करें पर्टिकुलर, तो विधायक कांग्रेस की गवर्नमेंट बीजेपी की है स्टेट में, जब भी कोई बात आती है तो ये हो जाता है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थिति बदतर है, अगर जिसकी सरकार उसी के वो विधायक प्रतिनिधि चयन हो तो अच्छा होगा। आइए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है यहाँ की अभी और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनमें काम होना बचा है या काम होना चाहिए? जैसा कि अभी पूर्व विधायक जी ने बताया, वो खुद 10 साल इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं। पहले तो मैं उनको ये जानकारी पुख्ता कराना चाहूँगा, उनने जनजाति विश्वविद्यालय के बारे में बोला। जनजाति विश्वविद्यालय देश की एकमात्र सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी जो कि कांग्रेस के गवर्नमेंट ने पुष्पराजगढ़ जैसे बाहुल क्षेत्र में खोला था, यहाँ के आदिवासियों की शिक्षा के विकास के लिए। बट आज 2014 के बाद से हमने ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास भी अभी हम गए थे, और जितने भी यहाँ के लोकल सांसद हैं, ट्राइबल मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, सबके नॉलेज में हैं। लगातार ट्राइबल यूनिवर्सिटी से अभी वहाँ के बच्चे, जो पहले 2014 के पहले 80-70 का वहाँ का रेशियो था, आज वहाँ 7.5% ट्राइबल बच्चे आ गए हैं। ठीक है, दूसरा ये तो रिजर्वेशन का मामला है। अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ तो पुष्पराजगढ़ में वैसे तो 10-10 साल का कॉन्सेप्ट यहाँ की जनता को रहता है। अब देखना ये है कि इस बार पुष्पराजगढ़ की जनता किसको क्या करती है, पर इस बार ये है कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इस विषय में क्या मत है? देखिए, कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश में विकास कार्यों के अलावा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत, चाहे मुख्यमंत्री लाड़ी लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे अभी लाड़ली बहना योजना जो 10 तारीख को उनके खाते में सीधे एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते में राशि जमा होगी। लगभग हमारे यहाँ 40,000 ऐसे बहनें हैं जिनके खाते में सीधे पैसा जमा होगी। तो लगभग हमारे यहाँ पर पुष्पराजगढ़ में 1,80,000 मतदाता हैं, और 1,80,000 मतदाता में लगभग 40,000 तो हमारी बहनें हो गई। किसान समृद्धि योजना के तहत 10,000 हमारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में माननीय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 6,000 रुपये की राशि, और माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4,000 रुपये, यानी सीधे उनके खाते में 10,000 रुपये जो है। पहले तो 10 रुपया देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज किसानों को सीधे सीधे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसे हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से हमारी प्रदेश के सरकार ने जो हमारा जो यह जनजाति क्षेत्र है पुष्पराजगढ़, जहाँ पर भर्रा जमीन जो किसान जो है खेत को अच्छा से नहीं बना सकता, उनको खेत तालाब योजना के तहत और मेड़ बंधान योजना के तहत सीधे सीधे हितग्राहियों को जो है उनका खेत सुधार का कार्य कराया गया। तो ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जिन योजनाओं से जो है अंदर से जो हमारे जो मतदाता हैं पूरी तरह से सरकार की योजनाओं से जो है पूरी तरह संतुष्ट हैं, और भारी बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पक्ष में जो है पुष्पराजगढ़ के मतदाता जो है मतदान करने वाले हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, ये पूरी तरह से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। भाजपा के लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि इस बार उनका ही यहाँ से विधायक जीतेगा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन इस पूरे एक चुनाव में जो एक सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वह लाडली बहना योजना की, आइए ये भी जान लेते हैं कि क्या ये इस चुनाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। आपको क्या लगता है लाडली बहना योजना जो है इस चुनाव में कोई मुद्दा बनेगी? कोई मुद्दा नहीं बनेगी, इसमें मुद्दा बनेगा नारी सम्मान योजना। कमलनाथ जी 1500 रुपये देंगे सरकार बनेगी तो, और 2 लाख तक का कर्ज माफ़ और 500 रुपये में गैस सिलेंडर। ये कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जनता को सीधा लाभ मिलेगा और इसका फैक्टर चलेगा पुष्पराजगढ़ में। पुनः तीसरी बार कांग्रेस का विधायक चुन के जाएगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, आपने दोनों दलों के लोगों की बात सुनी। अगर विकास की बात करें तो दोनों पार्टियों के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 20 सालों में यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, जगह जगह बिजली पहुँची है और सड़क पहुँची है और भी जो भी विकास के जो मूलक होते हैं उन पर काम हुआ है। लेकिन अगले चुनाव में यहाँ की जनता किसे चुनेगी, किसे अपना सरताज बनाएगी, यह देखना पड़ेगा। एमपी तक के लिए राविंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।